कैसे हो? ठीक हूँ, आपको कैसे हो? आपका सॉन्ग मस्त है मैम, अच्छा लगा। हाँ थैंक यू। आपने मास्क पहना है? मास्क पहने गाड़ी देख गाड़ी देख गाड़ी देख मालूम पड़ता है। हाँ साइड में ना साइड पांडे पीछे पांडे पीछे हम इधर से आ जाओ। हाँ जी पास में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, यंग है और विकास का शो है, तो आई एम श्योर कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा बहुत मुझे अपने टीनेज इयर्स की याद आ गई, सो आई थिंक मेरे लिए स्पेशली फिलहाल ऐसा वेब सीरीज देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगा, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। यार मेरे लिए तो यह है कि मैं उस टाइम पे पैदा क्यों नहीं हुआ ऐसे टाइम पे क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता ही नहीं था यार, इतना मस्ती इतना धमाल। बट डेफिनेटली यार विकास जो है बहुत ही अच्छे यूथ को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली। सर आप काफी खुश लग रहे हैं। मैं ये भाई मेरा तो मेरा खुशी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है तो अब 13 वीक्स के बाद 13 हफ्ते के बाद आई हूँ वापस। अगर खुश नहीं होंगे ना तो बिग बॉस शुरू हो जाएगा मेरे घर में इनके साथ तो खुशी तो दिखानी पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है खुश तो है मगर इनकी जो 13 हफ्तों में पार्टियां हुई है ना मेरे पीछे वो सब खत्म हो गई है ना। रियली रियली मुझे खबर मिल रही है बहुत ज्यादा परेशान रहते थे वीडियो बना रहे बहुत गुस्सा आ रहा था इनको और ठीक है यार, सी आई कैन अंडरस्टैंड इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्पलेस जब आदमी फील करता है, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, मैं घर के अंदर थी ये घर के बाहर थे, तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज करना था, तो बिना सोचे समझे गुस्से में आके उन्होंने वीडियो बनाया। मगर सलमान सर ने हमें समझाया है दोनों को कि ये गेम है, इसको घर के अंदर छोड़ के आप बाहर फिनिश इट ऑफ, इट वॉज अ गेम। घर के बाहर देखो मैं मानती हूँ कि घर के अंदर जितने लोग हैं दिल की कोई बुरा नहीं है, वो गेम ऐसा होता है कि सबका बैड साइड बाहर निकलता है। तो अब जब मैं घर के बाहर आ गई हूँ आई थिंक आई शुड जस्ट लीव द गेम बिहाइंड और आगे का ज़्यादा ना सोचते हो, आई थिंक वी हैव टू बी मैच्योर। सलमान सर ने यही समझाया हम दोनों को, वी एग्री विथ हिम, उनका हमने रिस्पेक्ट रखा है। अरे माय गॉड, मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी और उसमें क्या होता था, मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी, तो मेरे लिए भी अच्छा था। गुजराती हूँ ना तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलका बनाती थी, कैमरा एंगल होता था वहां फुलका फूल रहा है और जैसे बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मैं बर्तन मांग सकती हूँ, मैं कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ, मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ। आप लोग इतना सब लोग काम करते थे लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला तो इतने ही काम करते मतलब पूरा फ्रीलांस क्या करते। एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें पूरी सिंपैथी थी उनके साथ, अब एंड में तबीयत ठीक भी हो गई फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत खराब है, हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे। क्या बिग बॉस फेवर भी तुम तो नहीं करते? मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है, आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है। और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है। तो क्या होता है एक वीक आप हीरो दिखते हो एक वीक आप विलन दिखते हो क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है बट ऐसा नहीं है। सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप 3 में तो हैं। आरती मुझे लगती है साथ में इनको आजकल, मुझे भी लग रहा है आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप 3 में आए। आरती और शहनाज़ जाने वाली आरती और शहनाज़।
देखो मैं ये कह दूं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब एलीट क्लब का मेंबर असीम को बनाया गया सबसे पहले तो उसके कमरे में एक सिर्फ कमरा था और एक पानी की बोतल थी और कुछ था नहीं। जब सिद्धार्थ को बनाया गया एलीट क्लब का मेंबर तो ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, खाना, ये सब, तो ये अब ये दोनों मेरे को बता दो, जस्टिफाई कर दो कि इसका क्या प्रॉब्लम है। अरे मैंने अली को धक्का मारा तो मुझे निष्कासित कर दिया। सिद्धार्थ ने तो धक्के की हद ही कर दी, मतलब सिद्धार्थ ने तो धक्का ट्रेन चला दिया बिग बॉस के अंदर। तो धक्का ट्रेन का बिग बॉस क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं आने वाले जमाने में। नहीं मैं कौन होता उसको बायस करने वाला यार, मैं तो ये कहूंगा कि आप क्या एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं आगे आने वाले कंटेस्टेंट के लिए कि गाली दो माँ बाप की, धक्का मारो, फेंक दो, हाथ तोड़ दो, उंगली तोड़ दो, सब चलेगा। शो चलना चाहिए, टीआरपी आनी चाहिए। मैं सिद्धार्थ को और शहनाज को और असीम को लाइक करता हूं, लेकिन मैं असीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूं बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो मैं इसलिए कह दूं सिद्धार्थ के फैन से कि सिद्धार्थ मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिद्धार्थ का तुम्हें नाम भी बताता हूँ, उसका निक नेम मॉन्टी है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो इस पर भी ट्रेंड कर सकते हो तुम, मॉन्टी मेरी जान, तो इस पर भी ट्रेंड कर लेना। बिंदु दारा सिंह मेरा भाई, बिंदु ऐसा प्यार कर रहा है सिद्धार्थ से कि मतलब ऐसा प्यार दुनिया में किसी को मिल गया तो मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी को, जैसे अगर मैं असीम को लाइक करता हूँ और अगर मैं सिद्धार्थ को कुछ नाम दे के गंदी बात बोलूँ, मैं अगर कुछ ऐसा क्रिटिसाइज करूँ विच इज़ पर्सनल, इट्स नॉट फेयर। मतलब अगर मैं सिद्धार्थ का फ़ैन हूँ, सिद्धार्थ को लाइक करता हूँ, तो मैं ये नहीं लूँगा कि सिद्धार्थ किसी को ये कहे कि तेरे बाप, और ना मैं असीम से ये लूँगा कि असीम किसी को कहे कि तेरी माँ, तेरा बाप, यू नो, लीव देम अपार्ट। और किसी को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो, तो पॉजिटिवली उसको सपोर्ट करो। अगर तुम किसी एक को बोलोगे चूसलेट, ये लेट, ऐसा वैसा, भिखारी, तो इट्स नॉट नाइस। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, मैं सिद्धार्थ को कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है, बट मुझे ऐसा लगता है कि असीम नीड मी मोर देन सिद्धार्थ, बिकॉज सिद्धार्थ को तो बिंदु दारा सिंह है ना यार, मतलब दारा सिंह के बेटे है उसके साथ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, फिट है तो हिट है, यू नो, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, एंड फिटनेस इज लाइफ। इफ़ यू वांट टू लुक गुड यू हैव टू वेयर नाइस क्लोथ्स, यू वांट टू लाइक, सी फिटनेस इज लाइफ फॉर मी बिकॉज आई बिलीव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एक्टर ऑल्सो, तो एक्टर का तो एक जिम्मेदारी वैसे ही हो जाता है। बट इवन यू आर नॉट एन एक्टर नाउ, डॉक्टर इज सजेशन दैट प्लीज वर्कआउट, क्योंकि आप मोटे रहते हो, आप हेल्दी नहीं खाते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी बीमारियां आती है। सो इफ़ यू हिट, यू ईटिंग क्लीन, यू ट्रेनिंग वेल, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, तो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे दिखाई देता है। तो अच्छा खाने के साथ ही, ये कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि आप सिर्फ जिम जा रहे हो, डंबल उठा रहे हो या सिर्फ भाग रहे हो, आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो कि नहीं, आप खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं, आप ठीक से सो रहे हो कि नहीं, तो अगर एक भी चेन मिस होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अच्छे से ट्रेन करिए, फिर अच्छे से खाइए, उसके बाद फिर अच्छे से सोइए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग टर्म से होता है। इट्स नॉट दैट यू ट्रेनिंग टुडे एंड छः महीने में आपकी बॉडी, आजकल लोग स्टेरॉइड्स एंड ऑल दिस यूजिंग, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज आज हमको वर्कआउट करते करते 20 साल हो गए, सो इट्स अ प्रोसेस। तुम्हारा मसल मैच्योर होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता है, वो प्रोसेस के साथ बढ़ता है, तो यू हैव टू कीप डूइंग इट कंटिन्यूसली, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अ डेली लाइफ आई सी, आई प्ले विथ माई डॉग, आई प्ले विथ माई सन, आई गो टू वर्कआउट, आई एम अ बॉडी बिल्डर, सो आई ईट क्लीन, आई मेक श्योर आई ट्रेन हार्ड, एंड आई लाइक माई सिक्स पैक, सो आई नेवर वॉन्ट टू लूज इट, यू नो, सो इट्स लाइक दैट। मेरा तो खेल ही अलग है, मैं इसी में प्रॉपर तरीके से बिगिनिंग से हूँ। So my fitness mantra is eat well, clean, workout and sleep. So
ये बहुत जरूरी है। मैं सिद्धार्थ को और शहनाज को और असीम को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं असीम को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक